और ये बहुत ही स्पंजी, एकदम सॉफ्ट और इतना डिलिशियस कि आपके मुंह में घुल जाए, ऐसा दही बड़ा बना लेते हैं। और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया हुआ है उड़द की दाल धुली हुई और मूंग की दाल धुली हुई। ये जो आप देख रहे हैं ये ओवरनाइट सोक की हुई दाल है। इस कटोरी से हमने 2 कटोरी मूंग की दाल ली हुई थी धुली हुई और 1 कटोरी उड़द की दाल ली हुई थी, और इसको हमने पानी में ओवरनाइट सोक कर दिया है, तब ये अब इतनी और इस तरह की हो गई है। अब पानी को पूरी तरह से हमें इसमें से निकाल देना है, अच्छे से दाल को धुल लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। और फिर हमें इसको ग्राइंड कर लेना है और एकदम अच्छा पेस्ट बना लेना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में ही मिक्सर में हम ये दाल डाल के और इसका बैटर बना लेते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान देनी जरूरी है कि बहुत अच्छा पिसा होना चाहिए और एक भी बूंद पानी इसमें नहीं होना चाहिए, तभी अच्छा बनेगा। तो ये दाल पिस के रेडी हो गई है। इसको हम एक बड़े थाली में निकालेंगे क्योंकि हमें इसको फेंटना है बहुत अच्छे से, जिसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। सारा बैटर अब हमने अच्छे से पीस लिया है और ये रेडी हो गया है। अब आता है इसका मेन काम, यानी कि इसको फेंटना। फेंटना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छा फेंटा रहेगा उतना ही स्पंजी आपका ये बैटर बनेगा। फेंटने के लिए यहाँ स्पेशलिस्ट मेरे पतिदेव को मैंने बुला लिया है क्योंकि वो बहुत अच्छा फेंटने वाला काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से वो फेंट रहे हैं, एकदम इसी तरह से आपको एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है और बहुत ही फ्रॉथी बना लेना है। इन द मीन टाइम जब तक दाल वाला बैटर फेटा जा रहा है, यहाँ पे हम इमली हमने ले ली है। ये अराउंड 200 ग्राम इमली है और इसको हम पानी में भिगो देंगे। इसको हमें लगभग 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगोना है। और ये पानी ध्यान रखिएगा, पीने वाला ही पानी रखिएगा, बिकॉज इसी से वो चटनी बननी है। अब ये हमारा बैटर अच्छे से फेंट के रेडी हो गया है। अब इसको ये चेक कैसे करें कि एकदम अच्छे से रेडी हो गया है, तो हमने यहाँ पे एक बोल में पानी लिया हुआ है और उसका थोड़ा सा पार्ट बैटर का हम इस बोल में डालेंगे। अगर वो पानी के अंदर डिप हो जाता है, यानी कि वो अच्छे से रेडी नहीं है, अगर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी कि आपका बैटर बहुत ही बढ़िया सा रेडी हो गया है। तो इसको डाल के हम चेक कर लेते हैं। वाह, खूब अच्छे से फ्लोट कर रहा है, यानी बहुत अच्छा फेटा है और वड़े बनाने के लिए एकदम रेडी हो गया है। यहाँ पे एक बर्तन में हमने ल्यूक वार्म पानी ले लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हींग और अराउंड 1/2 चम्मच नमक। अब इसको पानी में अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब आप पूछोगे कि इस पानी का क्या यूज है। पानी का यूज जल्दी आपको पता चल जाएगा जब हम दही वड़ों को फ्राई करेंगे, उसके बाद इसी पानी में उसको डिप करेंगे ताकि वो और भी स्पंजी हो जाए। कढ़ाई में तेल ऐड कर दिया है हमने और इसको खूब अच्छा सा गर्म हो जाना चाहिए। खूब अच्छा यानी प्रॉपर गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही दही वड़े हम इसमें डालें। तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया है, अब इसमें हम वड़े डालना स्टार्ट करते हैं। तो छोटे छोटे पोर्शन ही हम इसमें डालेंगे क्योंकि वो फूल के फिर काफी बड़े हो जाते हैं इस तरह। अभी हमने फ्लेम को तेज ही रखा हुआ है। जब आपने सब डाल लिए तो फ्लेम को आप धीमा कर दीजिए। इसको एक बार हम पलट लेंगे सबको। अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें फ्राई करना है। अच्छा गोल्डन ब्राउन अब ये हो गया है और इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छे से इसका ऑयल ड्रेन कर दीजिए। उसके बाद ये जो ल्यूक वार्म पानी हमने रखा था उसमें इसको हम ऐड कर देंगे। अब इसमें एब्जॉर्ब करने से ये काफी ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएगा। अराउंड 20 मिनट तक हमें इसको इसमें डुबो के रखना। इमली जो हमने भिगो के रखी थी उसको अच्छे से मैश कर दिया है पानी में ताकि उसका सारा रस पानी में निकल जाए। अब इस इमली के पानी को छान करके हमें एक सॉस पैन में रख देना है। चटनी हमने चढ़ा दी है उबलने के लिए और ये इमली का पानी है पूरा जो हमने चढ़ा दिया है। इसके साथ ही हम इसमें शुगर नहीं ऐड कर रहे हैं, गुड़ ऐड कर रहे हैं।
यहाँ पे आपको जितना मीठा चाहिए आप उस अकॉर्डिंग गुड़ डाल सकते हैं। हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के गुड़ डाले हुए हैं। अब इसको अच्छा बॉईल आने दीजिए और बॉईल आने के बाद फ्लेम को धीरे कर दीजिए और अच्छा पकने दीजिए जब तक इसकी थिक कंसिस्टेंसी ना। अराउंड 20 से 25 मिनट हो गए हैं वड़ों को हमें पानी में भिगोए हुए। अब हमें इसको इसमें से गार लेना है। गारने का मतलब ये नहीं है कि हमें एकदम निचोड़ देना है तो ये वड़े टूट जाएंगे। हल्का सा ऐसे दबाना है कि पानी निकल जाए और वड़े भी टूटे ना, और साइड रख लीजिए। और इसी तरह से सारे वड़ों के साथ हमें यही करना है। ये हमने फुल क्रीम मिल्क की दही जमाई है। ये हमने 3 पैकेट आधा लीटर वाले लिए थे, यानी 1.5 लीटर दूध की ये दही है और फुल फैट दही है। अब इसमें हमें पिसी हुई चीनी ऐड करनी है, उतनी जितनी की आपको ज़रूरत हो मीठा के लिए। कह सकते हैं कि अराउंड 2 कटोरी शुगर पाउडर इसमें हमें ऐड करना है। और शुगर पाउडर ऐड करने के बाद इसको खूब अच्छे से फेंट लेना है हमको। दही फेट के रेडी हो गई है, देखिए कितनी बढ़िया हो गई है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा काला नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और भुना जीरा पाउडर। अब एक बोल में हम वड़े ऐड कर देंगे। इसमें इसके ऊपर अच्छी तरीके से हमें दही डालनी है, खूब जेनरस अमाउंट में। दही के ऊपर जो हमने इमली की चटनी बनाई हुई थी वो डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब ये लीजिए हमारा बहुत ही स्पंजी, बहुत सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला दही वड़ा। बट एक टिप है कि अगर इसको आपने अभी बनाया है तो अभी कंज्यूम मत करिए, या तो अब अगर सुबह बनाया है तो रात में, अगर ओवरनाइट रख सकें तो और भी अच्छा है। अब इसको हम ओवरनाइट फ्रीज में रख देंगे और कल कंज्यूम करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये जो ऊपर से चीजें हमने डाली हैं वो वड़े में अंदर तक चली जाएंगी और वड़ा और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें मत बताना भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए। ये सब आपकी रिक्वेस्ट पे ये रेसिपी हम लेके आए हैं स्पेशली, क्योंकि बहुत टाइम से आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम अपने दही वड़े वाली रेसिपी लेके आइए। तो पेश है आपके लिए बेहतरीन से दही वड़े।